हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा जा रहा है आप लोगों का एग्जाम? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का एग्जाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा होगा। आप सभी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे होंगे और इंग्लिश का लेवल मॉडरेट ही आ रहा है, तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से सारे वोकैब वाले सेक्शन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो लोग हमसे आज जुड़े हैं जिन्होंने आज तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट से जाके एक बार सारी वीडियो को जरूर चेक करें, क्योंकि हमारी इस सीरीज में आपको इडियम्स मिलेगा बहुत ही इफेक्टिव वे में। मैं हर इडियम के साथ कुछ GIF इमेजेस ऐड करता हूँ और कुछ नॉर्मल इमेजेस भी ऐड करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको और चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सको। मैं उसके नमोनिक्स बताता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ साथ के साथ कि कैसे हमारा जो ईडियम है वो खुद अपनी कहानी कहता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक बुक लॉन्च की है। बेसिकली ये एक ई बुक है जिसमें आपको A to Z सारे रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक गाइड की तरह है 120 डेज का, कि आपको बताता है कि एक दिन में आपको कितने रूट वर्ड देखने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, कैसे उसको रिवाइज करने हैं, सारा कुछ आपको इस किताब में मिलेगा। ठीक है, तो 1000+ रूट वर्ड है ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए एग्जाम में, क्योंकि रूट वर्ड आपको पता होगा तो आसानी से किसी भी वर्ड को तोड़ मरोड़ लोगे और उसका मीनिंग समझ पाओगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आसानी से आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, चाहे आप उस वर्ड को पढ़े होगे या नहीं भी पढ़े होगे, एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, इसलिए जरूरी है, तो जाके जरूर चेक करना। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका मिल चुका है आपको ड्राइव लिंक, अगर वहां ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे पिन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा है, आपको इस GIF इमेज को देख के बताना है। इसमें देख पा रहा हूँ कि कोई गेट को क्या करना चाहता है, क्रैश करना चाहता है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक ईडियम आ जाना चाहिए था अभी तक, कौन सा? गेट क्रैशर। क्रैश से याद आया ना कि गेट को क्रैश कर रहा है, तो गेट क्रैशर। ठीक है, कौन सा व्यक्ति होता है, कौन ऐसा लोग होता है जो कि आपके गेट को क्रैश करेगा? ठीक है, आप उसको इनवाइट करोगे ही नहीं तो बेफालतू का आएगा, तो आपके गेट को क्रैश करके तोड़ता हुआ चला आएगा। ठीक है, तो वही होते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट। ठीक है, जैसे चोर वगैरह आ गए या कोई भी लुटेरे आ गए तो आपके गेट को क्रैश करके आते हैं। ठीक है, नॉक नॉक करके नहीं आते क्योंकि आपने उनको इन्वाइट किया ही नहीं है। तो वही होते बिना बुलाए मेहमान, जो भी आते बिन बुलाए मेहमान जो आते उन्हीं को बोलते गेट क्रैश। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द पार्टी वॉज रूम्ड बाय अ कपल ऑफ राउडी गेट क्रैशर। सही बात है, पार्टी जो था हमारा वो बर्बाद हो गया। ठीक है, जब कपल ऑफ कौन आ गए, राउडी आ गए, कैसे? तो बिन बुलाए। ठीक है, गेट क्रैशर है मतलब गेट को तोड़ते हुए आ गए, हमने तो उनको बुलाया नहीं था, उन्हीं से बचने के लिए गेट लगाया था कि ताकि वो पार्टी में इंटर ना करें, लेकिन वो बिन बुलाए गेट को क्रैश करते हुए आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा गेट क्रैशर का। देख पा रहे होंगे कि ये idiom या फ्रेज जो है वो खुद अपनी कहानी कहता है कि मेरा मतलब क्या है। तो आपको सिर्फ ट्रैक करने आना चाहिए, वही मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ, समझाता हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको idioms and phrases हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसको कैसे समझना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आसानी से समझो और क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिल गया होगा, बहुत ही इजी है, आप लोग यूट्यूब वीडियोज भी देखते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल गुरु जी हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा वो टाइम टू टाइम क्या देते रहते हो, तो गिव अवे। ठीक है, गिव अवे मतलब क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट करना कोई भी चीज़। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब वितरित करते हो, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसी को बोलते हैं ना गिव अवे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर गिव अवे प्रोग्राम रखते हैं कि आप उनके कमेंट्स में ज्वाइन हो, उनको सब्सक्राइब करो तो आपको भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हमें सब्सक्राइब करोगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे, ठीक है, वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो आपको नॉलेज मिलेगा, यही आपके लिए गिव अवे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। टेक्निकल गुरुजी इज नोन फॉर गिव अवे। सही बात है, टेक्निकल गुरुजी बहुत सारा गिव अवे करते हैं, तो उसी के लिए ये जाने जाते हैं मोस्टली, और टेक्निकल रिव्यू के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट आपको हिंट लेना है आपको इस जिया की वजह से। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, नहीं आ रहा फिर भी कोई बात नहीं, आपको सिखा रहा हूँ यही इस क्लास में। तो नेक्स्ट है गिव द गेम अवे, ऐसे सीन को दो से चार बार पूछ रखा है। तो आपने क्या किया, गेम को बता दिया। कोई गेम था जिसको आपको नहीं बताना था, आपने उसको बता दिया किसी को। जैसे कोई होता है ना कि कोई सीक्रेट ही रिवील कर देता है, इसी को बोलते हैं गेव आउट द सीक्रेट। ठीक है, पर्दाफाश करना। आप किसी को बोलो कि नहीं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत बताना, या ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, किसी को मत बताना, लेकिन आप जाके सारी बातें गूगल देते हो, उसी को बोलते हैं गेव द गेम अवे। ठीक है, गेम को दूर जाके किसी को दे दिया, पर्दाफाश कर दिया। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। यू आर गोइंग टू गिव द गेम अवे इफ यू डोंट क्विट विस्परिंग अबाउट इट। तुम मुझे लगता है कि आज सारे पर्दे फास्ट कर दोगे अगर तुमने फुसफुसाना बंद नहीं किया तो। ठीक है, ऐसा चीज रिवेल कर देता है जिसको रिवेल करना नहीं था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना। ठीक है, और आप समझ पा रहे होंगे इस जीआईएफ इमेज को भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप मीनिंग से भी समझो कि कौन से इडियम्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा रहेगा कि आपको मीनिंग दिया हो रहेगा और आपसे पूछ रहा है अप्रोप्रिएट इडियम बताओ। ठीक है, तो दोनों वे में आपको जाना पड़ेगा या अप्रोप्रिएट फ्रेज बताओ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। नेक्स्ट है गिव वेंट टू समथिंग। आपने किसी चीज को वेंट दिया। ठीक है, वेंट होता है वेंटिलेटर, आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, गर्म चीजों को बाहर निकलने के लिए रास्ता देता है। तो आपने किसी को रास्ता दिया कि उसकी गर्म चीजें, बहुत सारी चीजें निकल जाए। तो वो कब गर्म आता है, जब वो क्या होता है गुस्से में होता है, तो उसको भड़ास निकालने के लिए कोई भी चीज दे दो। ठीक है, तो वो किसी पे गुस्सा कर लेगा, किसी पे भड़ास निकाल लेगा, उसी को बोलते हैं गिव वेंट टू समथिंग एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, किसी पर भड़ास निकालना। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, आई वर्क इन कस्टमर सर्विस, मैं कस्टमर सर्विस में काम करता हूँ, कॉल सेंटर ही होगा। सो आई एम यूज टू पीपल गिविंग फुल वेंट टू देयर फ्रस्ट्रेशन। तो मैं उस चीज का आदि हो चुका हूँ कि रोज रोज लोग क्या करते हैं, अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि आपके रूम में वेंट क्यों होता है, क्योंकि जितने भी गर्म हवा होती है उनको निकलने के लिए। तो इंसान के अंदर गर्मी क्या होती है कि उसका गुस्सा, ठीक है, भड़ास निकालना, यही तो होता है फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर, जो कि आप भड़ास निकालना चाहते हो किसी पे, उसी को बोलते हैं गिव वेंट टू समथिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए हिंट है ये पूरा सेंटेंस जो कि इसमें है, गेस कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, हम लोग समझा देंगे आपको। नेक्स्ट है जेरीमेंडर। जेरीमेंडर याद रखो, जेरी से ऐसे याद रखो ग्रे। ठीक है, ग्रे मैन को अंदर कर दिया जेरीमेंडर। ठीक है, जेरीमेंडर मतलब ग्रे मैन को अंदर कर दिया। ठीक है, अब क्या लॉजिक था भाई ग्रे मैन को अंदर कर दिया, ये तो कोई क्या फेयर वे है नहीं, ये क्या है एक अनफेयर वे है। तो वही इसका मीनिंग भी होता है, इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे। ठीक है, आप किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, गलत तरीके से किसी को कुछ भी कह दे रहे हो, ठीक है, जालसाजी करना, उसको उसको ठग ले रहे हो या उसको अंदर डाल दे रहे हो। ठीक है, तो ग्रे मैन को अंदर डाल दिया है। ठीक है, जेरीमेंडर मतलब ग्रे मैन को अंदर डाल दिया, क्यों डाल दिया भाई, वो ग्रे है इसलिए, तो ये तो कोई फेयर वे है नहीं। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। सम पॉलिटिशियंस चेंज द बाउंड्रीज ऑफ देयर वोटिंग डिस्ट्रिक्ट इन ऑर्डर टू बेनिफिट देमसेल्फ और देयर पॉलिटिकल पार्टी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेरीमेंडर। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हिंट देते हैं। हिंट यहां से देख पा रहे हो क्या कि ये बंदा क्या कर रहा है, पैर कहाँ डाल रहा है, डोर के बीच में डाल रहा है। इससे रिलेटेड कोई इडियम या फ्रेज आपके जहन में आ रहा है क्या, तो होता है गेट अ फुट इन द डोर। आपने अपना पांव डोर में डाल दिया,
मतलब क्या था, क्या था कि आपको एक मौका मिल गया। ठीक है, देखो इस लेडी को ये गेट बंद कर रही थी, उससे बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसने फुट डाल दिया तो ये अंदर जा सकता है, इसको एक अवसर मिला है कि ये फिर से उससे बात कर सकता है। कुछ ऐसा ही होता है, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, आपके पास क्या होता है अवसर होता है, तो अवसर मिलना उसी को बोलते हैं गेट अ फुट इन द डोर। सेंटेंस को कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दिस जॉब इज ग्रेट चांस टू गेट माई फुट इन द डोर विथ दैट गाय। ये जो जॉब है वो क्या है, मेरे लिए अच्छा मौका है। ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा अवसर मिला है कि मैं उस कंपनी के लिए काम करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ईजी है, आप सभी को अभी तक पता लग गया होगा कौन सा idiom या phrase होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। गेट अ गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार मिलता है आपको कब, ठीक है, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग, जब आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको बचपन में मिलता था स्टार मिलता था, ठीक है, गोल्ड मिलता था, तो इनाम अर्जित करना अच्छे कामों के लिए। यू गेट द गोल्ड स्टार फॉर कुकिंग सच अ डिलीशियस डिनर, तुमको गोल्ड स्टार मिला है क्यों, क्योंकि तुमने बेहतरीन खाना जो बनाया था, ठीक है, हमारे लिए जो बेहतरीन डिलीशियस डिनर बनाया था उसके लिए तुमको गोल्ड स्टार मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिलेगा इसी सेंटेंस में जो लिखा है, फटाक से गेस कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट है गेट अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन, आपने जो मेडिसिन बनाया उसी को आपको टेस्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे को तैसा। ठीक है, आप जैसा ट्रीटमेंट किसी और के साथ कर रहे हो वैसा ही ट्रीटमेंट आपको भी मिलेगा, अगर आप कड़वी दवा बना रहे हो तो आपको भी कड़वी दवा खानी पड़ेगी। ठीक है, टू गिव टू बी गिवेन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवेन टू अदर। ठीक है, जैसे को तैसा, सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। Don't be rude to others. You won't like it when you get a taste of your own medicine. ठीक है, तो किसी के साथ आप रूड बिहेव मत करो। ठीक है, क्योंकि तुम आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जब सामने वाला आपके साथ भी रूड बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको गेस करना है कि हमारा नेक्स्ट जो idiom है या फ्रेज है वो कौन था। ऐसा समझो कि एक लड़की है जो बहुत बोलती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, किसी भी चीज का बातचीत का या किसी भी चीज के लिए शुरुआत करेगी और कोई काम करने के लिए, क्योंकि वो एक्टिव, उसी को बोलते हैं गेट क्रैकिंग। आप कोई भी चीज क्रैक करना स्टार्ट कर दो, मतलब आप कोई भी चीज की शुरुआत कर देते हो, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। जैसे अंडा पड़ा है, ऑमलेट बनाना, आपने अंडे को क्रैक करना शुरू कर दिया, मतलब आपने काम करना शुरुआत कर दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं गेट क्रैकिंग। कैसे हो जाए आइए देख लेते हैं। सिट डाउन टू योर होमवर्क एंड गेट क्रैकिंग, बैठ जाओ अपने होमवर्क के पास और अपने होमवर्क को क्या करो, फिनिश करना शुरू कर। ठीक है, होमवर्क करना शुरू कर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एसएससी इसको काफी बार पूछा है, तो कौन सा है, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। आप कहाँ पे आ रहे हो, ब्रास के टैक्स पे आ रहे हो। ठीक है, आपका नजर कहीं नहीं गया, इधर उधर की बातों पर नहीं गया, आपने ब्रास देखा, अब ब्रास के पास पहुंच गए। ठीक है, मतलब इधर उधर की बात ना करते हुए आप मुद्दे की बात पे आ गए। आपका ब्रास से मतलब था, ब्रास पे आए। ठीक है, तो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब क्या होता है, स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, मुद्दे की बात करना। आप किस चीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हो जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो मुद्दा होता है जो सिचुएशन का। ठीक है, उसी को बोलते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। It was a serious situation, so they quickly got down to brass tacks. वो क्या कैसा सिचुएशन था, बहुत ही गंभीर सिचुएशन था, तो उन लोगों ने क्या किया, जल्दी मुद्दे की बात पे आ गए, इधर उधर की बातों को करना सही नहीं समझे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
लिंक्स देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ बैठा है, तो सूप में बैठा है। ठीक, इसके अंदर चला गया तो सूप के अंदर चला गया। अगर सूप के अंदर चला जाएगा, सूप तो गर्म होता है, तो उसके लिए क्या हो गया, मुसीबत पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इडियम या फ्रेज है वो कौन सा है, गेट इनटू अ सूप, सूप के अंदर चले गए, मतलब आप मुसीबत को मोल ले रहे हो। ठीक है, टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, जाहिर सी बात है सूप गर्म होता है, आप सूप के अंदर जाना चाहते हो तो आपके लिए मुसीबत आ सकती है, तो मुसीबत मोल लेना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दैट स्टंट लैंडेड हर इन द सूप, वो जो स्टंट था उसको कहाँ ले आया, तो सूप में ले आया, मतलब क्या किस चीज में ले आया, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में ले आया। ठीक है, वो मुसीबत में आ सकता है, ठीक है, उस स्टंट को करने के बाद। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते कि नेक्स्ट हमारा आइडियम या फ्रेज कौन सा। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि एक घर है जो कि जल रहा है, तो जो कोई चीज जलता है तो बहुत तेजी से जलता है। ठीक है, घर में आग लग जाए, कहीं भी आग लग जाए तो बड़ी तेजी से जलता है। तो आपके जहन में कुछ आइडियम आ रहा है क्या, हाउस से, फायर से? ठीक है, एक तो मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, तो उसको छोड़ के कोई और आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, कौन सा है, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। मतलब आप जल्दी से कोई भी चीज को लाइक करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, पसंद करना, जैसे कि घर में आग लगी हो। ठीक है, जैसे घर में आग लगेगी तो आप बड़ी जल्दी से कोई भी कार्य करते हो, ठीक है, उसकी आग बुझाने की कोशिश करते हो, तो वैसे आप किसी भी चीज को पसंद करना शुरू कर देते हो, जैसे कि घर में आग लगी है, मतलब क्या आप लाइक करते हो, मतलब इन द सेंस कि आप किसी भी से जल्दी दोस्ती कर लेते हो, टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। ठीक है, जल्दी आप मित्र बना लेते हो, होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं किसी से आसानी से बात कर लेते हैं फ्रेंडली वे में और जल्दी ही फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। आपको लाइक मिल जाता है कैसे, जैसे कि हाउस फायर पे हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। जो एंड जेमा, ठीक है, जो एंड जेमा गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। जो और जेमा जो है बहुत जल्दी मित्र बन गए, क्योंकि दोनों एक जैसे कैरेक्टर के होंगे। ठीक है, तो ऐसे मित्र बन गए जैसे कि घर में आग लगती है, ठीक है, जल्दी से फैल जाता है, वैसे वो बहुत जल्दी मित्र बन गए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिलेगा इसी GIF इमेज के संकेत। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि हमारा नेक्स्ट idiom या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो क्या है, गेट ऑन somebody's nerves, ऐसे सीन उसको 6 से 8 बार ऑलरेडी पूछ रखा। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी के नर्व्स पे पहुंच जा रहे हो। ठीक है, मतलब क्या करो, उसका दिमाग खराब कर रहे हो। ठीक है, आप उसके नस नस तक पहुंच गए हो, मतलब उसका दिमाग आप खराब कर चुके हो। ठीक है, टू बी एन इरिटेंट एनवाय, ठीक है, किसी को तंग करना, किसी का दिमाग खराब करना। ठीक है, तो बोलते हो ना कि तुम मेरे नस नस में चढ़ रहे हो, ठीक है, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, उसके बाद मेरा वेंट ऊपर का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर मैं तुमको तोड़ूंगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। समटाइम्स वॉचिंग टीवी रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स बिकॉज ऑफ ऑल कमर्शियल्स। सही बात है कि कभी कभी आप टीवी देखते रहोगे, इतने सारे कमर्शियल्स एडवर्टाइजमेंट आएंगे कि आपको क्या होगा, गुस्सा आने लगे, आप इरिटेंट फील करने लगेंगे। ठीक है, आपका दिमाग खराब होने लगा है कि यार क्या लगा दिया मैंने, इससे तो बेटर था मैं यूट्यूब पे प्रीमियम लेके बिना ऐड का चीजें देख। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, लिखा भी हुआ है और इमेज भी बता रहा है। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट, गेट वंस डक्स इन अ रो। आप अपने सारे जो डक्स हैं, ठीक है, बत्तख को एक कतार में ला रहे हो। ठीक, अगर आप बत्तख को एक कतार में ला सकते हो, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप जितने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपरली कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जबरदस्त व्यवस्था कर सकते हो आप। ठीक है, इसी के लिए जो होता हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, हर चीज को प्रॉपर ढंग से आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो।
ठीक है, मतलब जबरदस्त व्यवस्था है। सेंटेंस को कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। बिफोर यू गो इन टू कोर्ट यू वुड बेटर हैव ऑल योर डॉक्स इन अ रो। कोर्ट जाने से पहले अच्छा होगा कि आप अपने सारे जो फाइल्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि जहां वहां पे आपसे जो भी मांगा जाएगा आप उसको तुरंत पेश करो, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, आप इस जी आई फीमेल से बहुत आसानी से गेस कर पा रहे होगे और आप डेली लाइफ में इस फ्रेज को यूज करते हो और एसएससी का भी फेवरेट है, 10 बार पूछ रखा है, 8 से 10 बार ऑलरेडी आ चुका है और बहुत बार आता भी है। तो कौन सा है? गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, ठीक है। आपने सुना होगा ना, हाथ से निकल गया मेरा लड़का, तो मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है। तो क्या होता है? टू बी कम अनकंट्रोलेबल, ठीक है, ऐसा चीज जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, अनकंट्रोलेबल बन जाए, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथ से निकल या बेकाबू होना। सेंटेंस को कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड एंड द गेस्ट्स डिस्ट्रॉय द होटल रूम। पार्टी जो था वो हाथ से निकल गया, अनकंट्रोल्ड हो गया और जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने होटल के रूम को तबाह कर दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा डिस्कशन चल गया होगा जिसपे सब लोग सहमत नहीं रहे होंगे, फिर तोड़फोड़ मचा दी होटल रूम का और आप बिल भरते रहो, तो ऐसे गेस्ट को अवॉइड करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, बकरी है। और ये मैं कर रही है क्योंकि आपने किसी और का बकरी ले आया, ठीक है, तो वो आपको पहचानता नहीं है तो आपको क्या कर देगा, परेशान कर देगा, ठीक है, मैं करते रहेगा। वही है गेट समवंस गोट, किसी और का क्या ले आ रहे हो, गोट ले आ रहे हो, तो वो आपको क्या करेगा, बहुत परेशान करेगा। टू इरिटेट समवन, अत्यधिक चिढ़ाना, किसी को आप बहुत अत्यधिक चिढ़ा रहे हो, ठीक है, उसकी बकरी बार बार ले जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है, इरिटेट हो जा रहा है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। द वे ही कमेंट्स ऑन एवरीथिंग रियली गेट्स माई गोट मिस्टर नो इट ऑफ। जिस तरीके से वो कमेंट करता है हर किसी पे या हर चीज पे, वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, ठीक है, कौन, तो मिस्टर नो इट, ठीक है। तो इस बात को मिस्टर आप जान लो कि आप जो भी कमेंट करते हो, ठीक है, हर चीज पे, वो बहुत ही क्या होता है, इरिटेटिंग होता है, जो मुझे बहुत इरिटेट कर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते, वो भी इजी है, ठीक है, ये भी इजी है। आप हिंदी में भी काफी बार इसको यूज करते हो और इंग्लिश में भी बहुत बार इसको यूज कर रखा होगा, एसएससी ने भी काफी बार पूछा है, वही ये इडियम या फ्रेज है और इस जीआईपी में से आपको पता चल गया होगा। तो कौन सा है? गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, ठीक है, किसी का छाती पे से कुछ हटाना, मतलब क्या, छाती का बोझ हल्का करना। आप सभी को पता होगा छाती का बोझ हल्का करना मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वॉरिंग यू। आप उस चीज के बारे में बताते जो आपको क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है, एंड आप उसको कहना चाहते थे, जो चीज आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, आप उसको कह देते हो तो छाती का बोझ आपका हल्का हो जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। He came to see me because he wanted to get something off his chest. वो मेरे से मिलने आया क्यों? क्योंकि वो अपने छाती का कुछ बोझ हल्का करना चाहता था, मेरे साथ कुछ बातें ऐसे थी जो शेयर करना चाहता था, जिसके कारण वो चिंतित था, ठीक। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट idiom या फ्रेज हमारा कौन सा है। देख पा रहे ये क्या है, एक बच्चा जो बॉल को रोल कर रहा है, इसको भी काफी बार पूछा है, तो कौन सा है? गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है, बॉल जो है वो रोल होता रहना चाहिए, मतलब कि आप क्या कर दिए हो, काम को करना शुरू कर दिए हो, ठीक है, शुरुआत करना, आप बॉल को रोल करना शुरू कर दिए मतलब काम करना शुरू कर दिए। सेंटेंस कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। नाउ लेट्स चेक योर आंसर, वुड एनीवन लाइक टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। चलो अब मैं तुम्हारे आंसर चेक करता हूँ, जवाब चेक करता हूँ, क्या कोई और भी शुरुआत करना चाहता है, करना चाहता है तो फटाफट क्वेश्चन पूछे,
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, आपको हिंट मिलेगा इस जीआईपी में से, अगर कर पा रहे तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट जो फ्रेज है हमारा या ईडियम है वो कौन सा है, गेट द हैंग ऑफ। हैंग कोई भी चीज लटका हुआ उसको ले आओ गेट करो, गेट मतलब क्या होता है पाना, ठीक है। तो आप जो लटका हुआ उसको पा रहे हो, मतलब क्या हो रहे हो, आप उस चीज को समझ रहे हो क्यों लटका हुआ था तभी तक उसको पा रहे हो या उसको लटका रहे हो, किसी भी चीज को लटका रहे हो क्यों, क्योंकि आप उस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। तो वही होता है लर्न हाउ टू यूज, ठीक है, समझाना या समझना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर इजंट डिफिकल्ट वंस यू गेट द हैंग ऑफ, ठीक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप उसको समझ पाओ तो कि कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर आप उसी का इस्तेमाल करते रहोगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख पा रहे हो क्या है कि आपको एक मैसेज मिला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गेट द मैसेज, ठीक है। एक संदेश आपको क्या मिला, एक मैसेज प्राप्त हुआ, संदेश प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपको संदेश मिलता है तो आप उसका भाव समझ लेते हो कि क्या कहना चाहता है, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अ रिमार्क, ठीक है, और एक्शन, क्या इम्प्लाई किया हुआ रिमार्क से या एक्शन से वो आपको मैसेज में समझा देता है, तो आप उसके भाव को समझ पाते हो। सेंटेंस को कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई गेव टॉड हिंट्स व्हाट बर्थडे गिफ्ट आई वांटेड, आई एम ग्लैड ही गॉट द मैसेज। मैंने टॉड को हिंट दिया कि मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट चाहिए और मैं खुश हूँ कि वो मेरे इस मैसेज को, भाव को समझ पाया, ठीक है। आप किसी को मैसेज क्यों करते हो, क्योंकि आप अपना भाव समझाना चाहते हो कि आप क्या फील कर रहे हो या क्या कहना चाहते हो, तभी तो आप किसी को टेक्स्ट करते हो, मैसेज उनके पास पहुँचता है। टू अंडरस्टैंड वॉट अनदर पर्सन इज सेइंग, तभी आप उस मैसेज को समझ पाते हो, उसको प्राप्त कर पाते हो संदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट मिलेगा इस जीआईपी में, तब तो फटाक से आप लोग फाइंड करो, एसएससी ने काफी बार पूछा इसको। तो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है, गेट द सैक। सैक मतलब होता है बोरा, अपना बोरा उठा लो, ठीक है, अपना बोरा देख लो, बोलते हैं ना कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, तो वही है गेट द सैक, ठीक है। अपना बोरा उठाओ, अपना बोरा देखो, क्योंकि अब तुम बर्खास्त हो चुके हो, आप डिसमिस्ड हो चुके हैं, बर्खास्त होना, ठीक है। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही गॉट द सैक व्हेन दे फाउंड आउट दैट ही वुड लाइड अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, उसको काम से या जॉब से डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जब पाया गया कि वो अपने क्वालिफिकेशन के बारे में झूठी चीजें मेंशन किया था, ठीक है, झूठ बताया था कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है पर थी नहीं। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप उस लायक होते नहीं हो तो आपको छंट दिया जाता है। आपको गेस करना है इसमें से कि कौन सा इडियम या फ्रेज बन रहा है, ये भी इजी आप लोग गेस कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट है गेट द अपर हैंड, आपको क्या मिला, ऊपर का हाथ मिला, ठीक है, मतलब आपका हाथ ऊपर तक पहुंच पा रहा है, मतलब आप फायदा ले रहे हो, ठीक है, आपको एडवांटेज मिल रहा है, टू गेट एन एडवांटेज, ठीक है, आपको अपर हैंड मिल रहा है, मतलब आपको एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, फायदा पाना। सेंटेंस कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ड्यू टू माय एक्सपीरियंस आई हैड द अपर हैंड इन द आर्गुमेंट, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए मेरे को ये फायदा मिला उस आर्गुमेंट में, ठीक है, जो भी आर्गुमेंट हो रहा था वहां पे मेरा एक्सपीरियंस काम आया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इजी है, कौन सा, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, आप रॉन्ग साइड ऑफ द बेड पे उठते हो सुबह सुबह, जब मतलब कि रात को सही सोया, ठीक है, मान लो कि आप राइट साइड सोते हो, राइट साइड सोया और सुबह उठते हो तो देखते हो आप लेफ्ट साइड से उठ रहे हो, ठीक है, तो आप कब जगते हो तो रॉन्ग साइड पे, मतलब क्या, दिन की खराब शुरुआत होना, ठीक है, आप मान लेते हो कि आज मेरे दिन का शुरुआत ही खराब है क्योंकि मैं राइट में सोता था, राइट से जागता था, आज मैं लेफ्ट से जागा हूँ। स्टार्ट द डे इन बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल द डे, ठीक है, आप उठते ही बैड मूड में हो तो आपका दिन भी शुरू कैसा होता है, बैड मूड में,
ठीक है, और पूरे दिन ऐसा ही चलता रहता है। सेंटेंस में कैसे हो जाएगा आइए देख लेते। आई एम हैविंग सच एन अनलकी डे, आई गेस आई गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द वे। मेरा आज का जो दिन जा रहा है वो बहुत ही बदकिस्मत भरा जा रहा है, लगता है कि मैं आज सुबह गलत साइड बेड के जग गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना बहुत ही इजी है, कौन सा है? गेट विंड ऑफ समथिंग, ठीक है, आपको किसी भी चीज की हवा लग रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि अरे तुमको तो अब शहर की हवा लग गई। ठीक है, मतलब आपको उस चीज के बारे में जानकारी लग जाती है, खबर पता लग जाता है। हियर अबाउट समथिंग सीक्रेट, कम टू नो, आपको उस चीज के बारे में पता लग जाता है, या आप कोई भी सीक्रेट के बारे में जान जाते हैं। सेंटेंस को कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इफ मॉम गेट्स विंड ऑफ दिस प्रैंक वी आर प्लानिंग, वी विल बी ग्राउंडेड फॉर द रेस्ट ऑफ द समर। अगर माँ को पता भी लग जाता, हवा भी लग जाती इस खबर की कि हम लोग जो प्रैंक अभी प्लान कर रहे हैं, तो जितना भी गर्मी बचा है हम लोगों को कहाँ बिताना पड़ेगा, तो अंडरग्राउंड में। मतलब क्या है कि हम लोगों को घर के अंदर ही सारी गर्मी की छुट्टी बितानी पड़ेगी, बाहर खेलने नहीं जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट आपको गेस करना है, नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है? तो कौन सा है? गेट योर एक्ट टूगेदर। आपको क्या करना है कि आपका जो भी एक्ट है उस सभी को एक साथ रखना है। आप एक्टिंग करते हो तो आपको सारे एक्ट एक साथ टुगेदर करना है। मतलब क्या है? काम को आपको बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर वर्क इन अ बेटर वे, काम को बेहतर तरीके से करना है। संदर्भ कैसे यूज होगा आइए देख लेते। सैम, दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव बीन लेट दिस मंथ, गेट योर एक्ट टुगेदर। सैम, तीसरी बार है इस महीने में कि तुम आज भी लेट पहुंचे हो। ठीक है, तीसरी बार तुम लेट पहुंच रहे हो, तो ऐसा करो कि तुम अपने काम को बेहतर तरीके से करो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई हो, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, इसके लिए इडियम बताना है। ठीक है, सेंटेंस क्या? एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक वेल एंड परसुएसिवली। ठीक है, आपके पास एबिलिटी है कि आप कैसे बात कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातचीत कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, परसुएसिव वे में बोल सकते हो। ठीक है, जो कि आपका किसी ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप जब भी कुछ बोलोगे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा इडियम या फ्रेज होता है आप लोग कमेंट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको वो कैब पढ़ना है अमेजिंग वे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah.